नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं को स्वयं सिद्धा आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ रीवा में भी दिया जा रहा है, जिसमें कन्या महाविद्यालय में महिला सुरक्षा शाखा द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 15 दिवसीय होगा। महिला सुरक्षा शाखा TI उषा सिंह सोमवंशी ने बताया कि प्रशिक्षण में महारत प्राप्त प्रशिक्षण राजमणि तिवारी, दीक्षा गोस्वामी, जो कि जूडो कराटे का प्रशिक्षण छात्राओं को दे रहे हैं, छात्र स्वयं अपनी रक्षा कर सकें, जिसमें अपराधों में कमी आए, इन उद्देश्यों को लेकर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिवसीय कन्या महाविद्यालय रीवा में दिया जा रहा है। इसके साथ ही यह प्रशिक्षण एक वर्ष तक चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अभी हाल में 200 छात्राओं का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आगामी 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें महाविद्यालयों और विद्यालयों की छात्राओं को 2 वर्ष में कम से कम 2.5 लाख छात्राओं को कराटे, जूडो कराटे से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु आज शासकीय कन्या महाविद्यालय GDC कॉलेज रीवा में कराटे का प्रोग्राम रखा गया, आज शुभारंभ किया गया, जो 15 दिवसीय निशुल्क कराटे क्लासेस चलेंगी, जिसमें ब्लैक बेल्ट, ताइक्वांडो सुश्री दीक्षा गोस्वामी द्वारा और उनकी टीम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कॉलेज में लगातार ये प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें 200 के बैच बना के ये साल भर हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे कि छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़े और वो अपराध के प्रति जागरूक हों और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, क्योंकि पुलिस हर जगह पहले नहीं पहुंच सकती, तो उनको स्वयं सिद्धा प्रोग्राम के तहत आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाएगा।